Best team left. Punyu Deja and Chandan. My number three friend. तालियां बजती रहनी चाहिए। जिंदगी में दूसरों के लिए काम करते रहो, जिंदगी पलट के आती है और आपका भला करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल HSM कुमाऊनी पे। तो अब जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है और सुबह के 8 बजे हैं और हम जा रहे हैं ग्रेटर कैलाश। आज हमारे ऑफिस का वहाँ एक पूजा पाठ है और उसके बाद तो हमारे ऑफिस को शायद हमारे ऑफिस से कुछ वहाँ एक कार्यक्रम है पूजा। परफेक्ट फाइनेंस को 35 साल पूरे होने की एक जश्न महोत्सव है यहाँ पर। तो अब वहीं जा रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको वहाँ जाके क्या क्या होता है। सनातन मंदिर में है और एक छोटा सा सनातन मंदिर यहाँ पे भी है। देखो ये मेरा अभी गुरुद्वारा पर खड़ा हूँ, ये सामने गुरुद्वारा है। हम लोग यहीं पे आती है हमारी बाहर की गाड़ियाँ भी। साथ वाले ने बहुत देर कर दी मेरे को, आधा घंटा खड़ा कर दिया। मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं हम लोग। देखो वैसे टर्न लेना था, किसका फोटो ले रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ग्रेटर कैलाश के मेट्रो स्टेशन पर। तो हम 2 नंबर से बाहर निकल रहे हैं। ये 2 नंबर है वो, ये देखो यहाँ पर लिफ्ट है ना, अगर हम लोग बूढ़े हो गए आप लिफ्ट से जाने से बता भले ही अली शिमला से। ये देखो ये सोनू जी हमारे अभी एक सर और आए, उनके साथ में परिचय कराता हूँ थोड़ी देर में आने वाले हैं। दिखाते हैं भाई बाहर। ये पहुँच गए हम लोग। हम लोगों को बहुत देर हो गई है और यहाँ पर हमारे जो है ना सर डांट रहे हमको, कोई आने वाला है। तो हमारे झा जी आने वाले हैं। धमाके से हुई है एंट्री झाजी। ये हमें एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर सारे परफेक्ट के बोर्ड लगे हुए हैं और परफेक्ट फाइनेंस करता है कि आपको बता देते हैं। परफेक्ट फाइनेंस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ फाइनेंस कराता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें यहाँ नंबर नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करना। आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। बट इन्होंने आते ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और आज बेस्ट एम्प्लॉय ऑपरेशन महेश शर्मा। आज इसने लैब की टीम को अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना दिया है कि उसका एक
वो जो अलग ही दिखता है। बेस्ट टीम लैप पुन्यु दे झा एंड चंदन मैं क्या देख रहा हूँ तालियां बजती रही थी। आजा रितेश बाबू कि जब तकलीफ आती है तो मोहन आदमी हाथ खड़ा करके बोलता है सर ये तकलीफ मेरे को दे दो मैं संभाल लूंगा। ये थोड़ा आसान हो गया। हाँ मतलब आज कोई भी चीज ऑफिस में ऐसा लग रहा हो तो तकलीफ का काम आता है तो मन में एक चीज आती है पता करो जोशी जी का है जोशी जी को बताओ आप कस्टमर एंगेजमेंट बनाए रखिए और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल टीम खड़ी करिए ताकि कस्टमर हमसे कभी नाराज ना हो। आज हम अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों के पास ऐसे ऐसे नंगीने हैं जो 35 साल से हमारे साथ में हैं। आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता है क्योंकि सब नंगीने हमारे यहाँ पे एक नंगीना नहीं है ऐसे ऐसे 35 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन लोगों के साथ ये परफेक्ट कौन ही बन सकता। आज अपना परफेक्ट जो रूप आज मैंने देखा है इतना अच्छा लगा है इसको अपन को आगे लेना और आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा आपके छोटा भाई अक्षय आए और आप सबको एड्रेस करें। गुड मॉर्निंग को मेरा प्रणाम सात सालों को मेरा नमस्ते और छोटों को मेरी मान। आज सभी को खड़ी पे सामने से बहुत बहुत कॉलेज के अंदर गुरु मूवी दिखाई था तो गुरु मूवी के अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर वो एटीएफ कर तो वो जब भी मैं सीन देखता था पता नहीं क्या होता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे आंखों में आंसू आ जाते थे तो सब मिस्टर होते थे पूछते थे क्या पागल वाली गलत वाली आगे देखते थे तो मैं रोते रोते ये बोलता था सर पता नहीं वो सपना मेरा कभी साकार होगा कि मेरे को भी ऐसे कुछ करते हैं कि हमारे भी सिस्टर्स हो हमारे भी एक सदस्य पूरा अपना परिवार ऐसे बड़े से हॉल के अंदर बैठे और तो वो आज मेरे को लग रहा है कि उस चीज की आज एक शुरुआत हो रही है। हमारा भी एक शेयर स्टॉकिंग से रिलेटेड हो आज जैसे उसके अंदर होता है कि कई लोगों के बच्चों की शादियां एसबीआई के शेयरों से हुई है
आज वो भी हमारे लिए कभी कुछ बोले कि आज परफेक्ट डांस के मेरे पास शेयर थे और मेरे बच्चों की शादी हम परफेक्ट डांस से करवाई थी। मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं तीन प्रिंसिपल्स पे यूजुअली अपनी लाइफ जीता हूँ, तो मैं आज आप लोगों को सबको देना चाहूंगा। वो JEE प्रिंसिपल है। सो JEE जज्बा है फर्स्ट, कि जज्बा हमेशा अपने रखो अपने अंदर। मैं कई बार ही देखता हूँ ब्रांचेस में या कुछ में हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो लाइफ में प्लीज गाइस एनर्जी डाउन मत होने दो। आप ऑफिस में आ रहे हो तब एनर्जी में हो, उससे ज्यादा जरूरी है जब आप ऑफिस से घर जा रहे हो तब डबल पॉजिटिविटी एंड एनर्जी के साथ जाए, बिकॉज अगर घर खुश रहेगा तो आप ईमानदारी सबसे पहले अपनी तरफ, फिर अपने परिवार की तरफ, फिर आपकी कंपनी की तरफ। क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको सच्चे भाई आप आज अगर मेरे अपने बेटे को ये सिखाना है कि बेटा तू मेरी सेवा करियो या फिर बड़ों का आदर करियो, अगर वो चीज मैं नहीं करूंगा या मैं अपने बाप की सेवा नहीं करूंगा तो वो मेरी सेवा नहीं करेगा। आज जिस चीज की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में वो अकाउंटेबिलिटी आपकी अपने पास रखी है, आज तो जिम्मेदारी महसूस करना सीखो। आज जोशी जी है एक रीजन के लिए, अंसारी जी है वो एक रीजन के लिए, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप ली है कि आज मैंने अगर वो काम बोल दिया तो वो चीज होनी है, मेरे को अपने सीनियर का या फिर किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। तो मैं आप लोगों का एक इंसिडेंट से मैं प्रोग्रेस सम अप करना चाहूंगा। मैं जब सीए में पहली बार फेल हुआ था तो मेरे पिताजी ने मेरे को दो पंक्तियां बहुत अच्छी बोली थी, तो वो मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी पूरी पूरी किताब है। अबू जी क्या हो रहा है यहाँ पर आज? कोई कौन सी पार्टी हो रही है बता दो। शादी की सालगिरह हो रही है, है? ये क्या था बाबू जी? स्वागत
जो प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। परफेक्ट ग्रुप का ये 35वां जो फाउंडेशन डे है, जिसके चेयरमैन अमोदार कलाती मेरे भाई स्वरूप विनोद कलाती, उनके सपुत्र यशस्वी आशीष कलाती, रमेश कलाती, और जैसा कि बताया विनोद शर्मा ने तो हर समय साथ रहते हैं परफेक्ट ग्रुप के वो, और विशेष रूप से मैं महेंद्र शर्मा बधाई देना चाहता हूँ जी का, और धर्मपत्नी सुशीला किला जी, ये सब लोग कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आगे बढ़ो, इससे पहले मेरा भी कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई क्या है, हम कहते हैं हम इनसे भी बड़े हैं। अभी हम हजारों की भीड़ में करता पड़ते, लेकिन आज तो मैंने सुना पहले आके, क्योंकि तो बच्चा 4 साल तक सुनता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसके बाद वो बोलना सीखता है। इसलिए कोई परफेक्ट होना चाहता है तो पहले लोगों को सुनना सीखो और उसके बाद बोलना सीखो, क्योंकि अगर हम पहले नहीं आते तो शायद इतनी चीजें मैं नहीं सुन पाता, लेकिन आज आके जब आधा पौना घंटा बैठे हुए हैं तो उससे लगा कि हम बहुत कुछ ग्रहण करते जाते हैं। आइए आप व्यवस्थित हो जाइए, जब हम आए थे कुछ अच्छा लगे तो बजा देना, नहीं तो हम तो घर से बच के ही आए। ये सीटी मारी उन्होंने ही मुझे मल्ले का सहरावत समझ लिया क्या? बड़े गांवों में जहां भी देखे रामावतार गलत अग्रणी नजर आते हैं, समाज सेवा के इतने कार्य रामावतार कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे राजस्थान से अवतार पहला जैसे इन्होंने दिल्ली में अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है और एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। समाज सेवा राष्ट्र सेवा के कार्य में लगे रहे, राजस्थान का नाम गौरवान्वित करें और नई ऊंचाइयों को छुए, बहुत बहुत बधाई अवतार। आज ही कुमारी शिवाजी की कुछ पंक्तियां सुन रहा था तो उन्होंने बताया लीडरशिप क्या है, क्योंकि वो आपके लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखो लीडर ये नहीं है कि वो सिर्फ सीट पे बैठा, जो नीचे जो काम करने वाला है क्लास में उसको ये लगना चाहिए कि मेरा लीडर मुझे मुसीबत में संभाल ले, तो आपको ये फील होता है। तो बस धन्य है मतलब हमारे किला जी और उनकी परफेक्ट फाइनेंस जो कंपनी है और आप लोग, कि आप एज ए टीम मिलके काम कर रहे हो, और बाकी तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं आपको देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि मेरे मित्रों ने, मैं शायद उसको सोचता नहीं था, ये भी किला जी को जानते हैं, उन्होंने काफी कुछ लंबे आर्टिकल लिखे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। यही होती है जो इंसान का जो जीवन है कि आपने क्या कमाया। जिसको भी आना आ जाइएगा, उसके बाद बिल्कुल अलाउड नहीं, नमकीन नहीं करो, फ्रेंड से कह रहा हूँ, और फ्रेंड दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। 4 पंक्तियां मैंने पहले किला जी को जन्मदिन, जिनका 63वां मेरे छोटे भाई है, मैं 68वें हूँ, लेकिन दोनों भाइयों की जोड़ी, पूरे परिवार की जोड़ी हम व्हाट्सएप पे जारी रहते हैं। जब मेरे दूसरा कोविड हुआ तब भी फोन पे बात होती थी, आज भी गुड विशेज आती रहती है। और मैं बता दूं आपको, बस केवल 2 मिनट आपके लूंगा मैं, जिंदगी में दूसरों के लिए काम करते रहो, जिंदगी पलट के आती और आपका भला करती। गंगा जलो प्राणों में महके चंदन, हर पलो अभिषेक तुम्हारा, हर पल पलो अभिनंदन, शब्दों में तालियां बजाएंगे हम। और 4 पंक्तियां परफेक्ट फाउंडेशन के लिए आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक पुण्य कार्यक्रम को करते जाते हैं, बराबर करते जाते हैं,
संस्था क्या कहती है आपको कि गुनगुना एहसास हो तेरे लिए, गुनगुना एहसास हो तेरे लिए, एक घना विश्वास हो तेरे लिए, पग फैला कर जरा उड़ते तो देख मैं खुला आकाश हूं तेरे लिए। लोग तो पीछे से ताली नहीं बजा रहे, बुरे बुरे सपने आएंगे बता। एक बात कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा नहीं हुआ। बताना चाहता हूँ, मैं बॉक्सर के पास चला गया, मैंने कहा भाई साहब बॉक्सिंग सिखा दो। उसने मेरा टीवी डॉल देखा, बोला तू बॉक्सिंग सीख लेगा? मैं कहा जरूर सीखूंगा। और ये बताइए आप मुझे सिखाओगे? नहीं। बोला जरूर सिखाएंगे, हिम्मत है कॉन्फिडेंस है तो जरूर सिखाएंगे। वो मुझे ले गया रिंग में, मेरे 10-5 अच्छे खींच के मारे, अब मेरा डील भी बिगड़ गया, डॉल भी बिगड़ गया। मैं वहां बेहोश हो गया, 15-20 मिनट तक सर नहीं उठा। और जब उसने पानी छिड़का तो मैं एकदम लहरा के उठा। उठते ही वो बोला क्या आप भी बॉक्सिंग सीखेगा? अब तालियां चाहूंगा समझ में आए तो। बोला अब भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैं कहा जरूर सीखूंगा, पर ये बताइए इसका कोई कोरेस्पोंडेंस कोर्स है क्या? आइए जोरदार तालियां बजाइए। हरि दीपक खंडे का वो आए कलेक्टर रंग दिखाए। और आपका निवेदन है खाना नहीं खोला जाए जब तक, क्योंकि चाहे हमें 20 मिनट मिले 35 मिनट मिले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई इनके लिए। जोरदार थी ये तो पहले बार ही थी। ये माइक के बराबर कभी एक तरफ बंद हो जाता है, इसको स्पीक को खत्म कर दो, हल्का सा एक तरफ कर दो, चल रहा है? हेलो हेलो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नहीं वो तो मुझे भी पता है, मैंने कुछ के उठाया कि कुछ करवाना है जब तक खाली बैठे हो। आजकल क्या है कि भैया आप भी बैठे हो, कुछ है तो है नहीं, आपने फोटो ले लेना है कल ही यहाँ पर हंस रहे हो है नहीं क्या? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। महेंद्र शर्मा जी ने मुझे बुलाया कि आज चलना है, अपने परिवार में चलना है, और इतना सारा भावुक भाषण भी मेरे बारे में दे दिया। ऐसे ही 2 दिन से भावुक कर करके इन्होंने मुझे बुलाया और बोले परफेक्ट हमारा परिवार है, परफेक्ट परिवार है। तो मुझे आज पता लगा आप लोग फाइनेंस करते हो, तो मैंने उनको बोला मेरा फाइनेंस करोगे प्रोग्राम में कम पेमेंट मिला है। मुझे बताया नहीं मेरा फाइनेंस वाला मामला। बोले यार वो भंडारा करते हैं, वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो ये करते हैं, ये बोल के बुलाया तो रिवाज में। तो आगे मुझे पता लगा इतना तो जितना हमें नहीं देते तो पूरी खिलाते। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है बहुत, मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मेरे बारे में महेंद्र ने बताया। मेरा लाभकर में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल कैसे टेंशन बहुत ज्यादा हो गई, पूरी दुनिया की टेंशन चल रही है, कोरोना की टेंशन, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, पॉलिटिक्स की टेंशन, करप्शन की टेंशन, फाइनेंस की टेंशन, बहुत टेंशन है। और कोरोना काल से हम लोग निकले हैं 2.5 साल, आपको पता है कैसे प्रोग्राम हुए। तो प्रोग्राम होने शुरू हुए लगभग 5 अप्रैल के बाद होने शुरू हुए 2022 में, वरना उससे पहले तो हम लोग ऑनलाइन शोज कर रहे थे, फेसबुक लाइव, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, लाइव शोज कर रहे थे, ऊपर कोट और नीचे निकर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए। कैसे लाइव कर रहा था? अच्छा सुनने वाले क्या ऐसे तो लाइव सुनते, तो कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा है, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा है, बिना ताली के अपने प्रोग्राम सुन रहे। लेकिन अच्छा महेंद्र जी का फोटो खींच नहीं आ गई अभी, मैंने सिखाई है एक आठ भी बंद कर अच्छी आई। बहुत सारी टेंशन, लेकिन कोरोना में जितनी टेंशन मुझे हुई क्योंकि पूरी दुनिया में भाई साहब किसी को नहीं थी। कोरोना में अंग्रेजी बहुत आ गई, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, कोरोना में इतनी अंग्रेजी आ गई। एक आदमी रोज मेरे घर पे घंटी हो जाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगर उसे महंगी हो जाए, बोला सर सैनिटाइजर मिलेगा? मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मान के अच्छा है, मैं चड्ढा भी ये सर टेंशन है। चाइना गया था नवंबर 2019 में, दिसंबर में कोविड आया। मैंने देखा चाइना में पूरी दुनिया को टेंशन है, तो कोविड की थी चाइना ने दी। उनको कुछ नहीं आता, अंग्रेजी नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं आती उनको, वो सिर्फ चाइनीज बोलते हैं, इंग्लिश उनको आती नहीं, हिंदी में खाली भाइयों बहनों समझते हैं, कुछ नहीं पता। हाँ भाइयों बहनों को पूरी दुनिया समझती है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से टैलेंट खत्म कर दिया, पूरी दिल्ली से टैलेंट खत्म, पता भाई साहब कैसे खत्म हुआ?
पूरे दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगाया उन्होंने, पूरे दिल्ली में 200-200 फीट का होर्डिंग, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। वो डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं ऐसा पता है। तो सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी ने दी हुई तो पॉलिटिक्स ने दी हुई, किसी ने भी दी हो, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, परिवार के हम लोग बैठे हैं, पुरुष छोटे से ज्यादा है, महिलाएं की मात्र शक्ति बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है, और आप सब लोग पुरुष क्या, तो आप कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताता, कोई नहीं बताता, मैंने क्या आपकी और हमारी भाभी ने भी बताई होगी, कोई नहीं बताता। कई लोगों को मर्द में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। पैदा होने की कोशिश आज मैं आखिरी बार दबा हो गया, वो नहीं रहे हमारे बीच में, मुलायम सिंह यादव।
उनका भाषण किसी को समझ नहीं आया आज तक, वो चले गए पर आज तक समझ नहीं आया लेकिन बोला सही वो किसी को समझ नहीं आया हमने क्या बोला अकेले से आज तक वो कुछ समझ नहीं आया कि मेरे पिताजी क्या बोल रहा था बस एक बार भाषण करने से एक ही बात अकेले से समझ सके था आपके पिताजी ने क्या कहा उन्होंने जो भी कहा ठीक क्या कहा ये पिछले दिनों भाषण दे रहे थे यही समझ आता राहुल ने मरवा दिया उसके अलावा कुछ भी नहीं पता दोनों जैसे कार्यक्रम है ये बहुत ही परफेक्ट
तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसी तरह से जब भी कोई कलाकार आता है भाई आपको तालियां बजानी चाहिए, वो जोर से बजानी चाहिए। अभी सुनो भाई, अभी सुनो, अभी खत्म नहीं, बहुत ही जोर से आपको तालियां बजानी चाहिए। वो जो तालियां नहीं बजाता है वो तो फिर हम देखें। दरवाजे खोल देते, दरवाजे खोल देते, ठीक है। आवाज बोल रही है योगी जी की, और नेता वही होता है जो हर काम को साबित करते हैं। जैसे हमारे केजरीवाल ने बड़ा 500 नए स्कूल बना दिए, अगर मैं दिल्ली में बचपन से रहता हूँ तो टोटल भी देखे, वो कहते 500 नए बना दिए, तो सर मेरे सपने में आ गए केजरीवाल जी। मैंने कहा सर ये बताओ मुझे 500 स्कूल दिखा के लाओ, आए वो मुझे दिखाने, नेता वही होता तो साबित करते, लेकिन उन्होंने साबित किया। मैंने भाई साहब दिखाओ, एक बिल्डिंग तो ये है, ये स्कूल है, यदि एक स्कूल मान लिया 500 दिखाओ, इसमें सुबह लड़के आते हैं शाम को लड़कियां पढ़ते हैं, तो ये हो गए। आप किसी भी क्लास के बच्चे से पूछो, कोई नहीं कहता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोलता है, स्कूल में जा रहा हूँ। एक क्लास में 60 बच्चे, यानी कि एक क्लास के अंदर 60 स्कूल है, ऐसे 20 कमरे हैं, कितने हो इनके बताओ। स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया मैंने, मुझे भगवंत मान ने बताया कि अगर एक अच्छा पैर लगा लो तो एक के दो दिखाई देते। ऐसे ऐसे करके 500 बना देते हैं, कौन तो 1000 बना के दिखा दो। केजरीवाल जी आए, आप बोलोगे कि दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो फिर आनंद लेना आपको। मैंने मोदी जी सबकी चोटियां कट गई भाई, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, काटना हो तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी काटनी हो हमारी कंपनी को 35 साल हो चुके हैं।